हम केमिस्ट्री 10th में चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास क्या था, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में हमने डिटेल डिस्कशन की थी अबाउट अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स के रिलेटेड। आप लोगों को पता है कि अल्केन्स इज कार्बन एंड बोथ कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ कार्बन एटम जो कनेक्ट होते हैं या कार्बन हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होता है बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और जो हमारे पास अल्कीन्स होती हैं इन विच बोथ कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो अल्काइन्स होती हैं, अल्काइन्स में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये हमारे पास 3 क्लासेस थी। चौथी क्लास भी है हाइड्रोकार्बन्स की, वो हमारे पास एरोमेटिक्स कहलाती है। एरोमेटिक्स जिनमें एटलीस्ट वन बेंजीन बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये सारी हमने जो डिस्कशन की है ये हमने चैप्टर नंबर 12 में की थी। चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास था हाइड्रोकार्बन। आज हम अपनी बुक में नेक्स्ट जो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 जो हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री, उसको डिस्कस करेंगे। बायोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम इस लेक्चर में बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखेंगे, बायोकेमिस्ट्री चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। नेक्स्ट हम उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। और जो कार्बोहाइड्रेट्स की फर्स्ट क्लास है हमारे पास वो कौन सी है, हमारे पास है मोनोसैकेराइड्स। हम मोनोसैकेराइड्स को भी डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री आपने केमिस्ट्री 9th में भी डेफिनेशन पढ़ी थी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ। बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन केमिस्ट्री, इट्स मीन लाइफ की केमिस्ट्री। लाइफ की केमिस्ट्री क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास जितने ही हैं, जिनमें हम ह्यूमंस आते हैं, जानवर भी आते हैं, जिनमें प्लांट्स भी आते हैं, तो इन तमाम लिविंग थिंग्स की जो बॉडीज हैं वहां पे हमें कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उन केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करना केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में आता है उसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या है, डेफिनेशन आपको बता दी है। हम बायोकेमिस्ट्री की एक और डेफिनेशन किस तरह कर सकते हैं सिंपल मीनिंग में, कि मैक्रो स्टडी इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनको डिस्कस करना, उनकी स्टडी करना, फिर उन मैक्रो मॉलिक्यूल्स की वजह से जो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहे हैं ह्यूमन बॉडीज में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, इनको डिस्कस करना, ये भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही आता है। तो देखिए हमारे पास डेफिनेशन। अब बायोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 13 है, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ हम विटामिंस को भी डिस्कस करेंगे, देन लिपिड्स को, और इन द एंड हम क्या करेंगे, न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास क्या है बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक, ये हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, ये हमारे पास बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बाई फंक्शनल का क्या मतलब है, यू पीपल नो वेरी वेल अबाउट बाई, बाई का मतलब होता है टू एंड फंक्शनल। फंक्शनल हमारे पास नाम रहा है क्या है, ये हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप्स। तो बाई फंक्शनल मीन इन विच टू फंक्शनल ग्रुप्स ऑर्गेनिज हैं। हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बाई फंक्शनलिटी वाले हैं, इनमें दो हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। नंबर वन में हमारे पास अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और नंबर टू इसमें हमारे पास क्या होता है, कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी भी पाई जाती है। अब कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी क्या है, ये केमिस्ट्री में कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी है, हम चैप्टर नंबर 10 में हमने डिस्कस किया था फंक्शनल ग्रुप्स में। ये क्या होते हैं, ये हमारे पास है कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी है। अब कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी में नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जब इसकी टू क्लासेस हैं, एक हमारे पास क्या आती है एल्डिहाइड, और ऑन द अदर हैंड दूसरे हमारे पास कीटोन्स होते हैं। एल्डिहाइड कौन से होते हैं, जब कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी की एक साइड में हमारे पास क्या हो, एक वेलेंट बॉन्ड है जहां पे हाइड्रोजन हो और यहां पे हैलाइड हो, सभी हो, तो ये एल्डिहाइड कहलाता है। जबकि जब हमारे पास कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी की दोनों वेलेंट कार्बन के जो बॉन्ड है वहां पे अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो, ये हमारे पास कीटोन्स कहलाते हैं। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में ड्यूअल फंक्शनैलिटी पाई जाती है। एक तो अल्कोहलिक फंक्शनैलिटी होती है हाइड्रोक्सी, जिसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और दूसरे इसमें क्या होते हैं, दूसरे इसमें हमारे पास कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी होती है। अब कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी हमारे पास क्या हो सकती है, ये हमारे पास एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, या
वाले भी हो सकते हैं एंड वी आई टारगेट ऑन, दोनों को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन हमारे पास जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपके बुक में मेंशन है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं और ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स भी हमारे पास हो सकते हैं। कैसे एल्डिहाइड्स होते हैं और कैसे कीटोन होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं और कीटोनिक पाई जा सकती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इनको सिंथेसाइज कहां पे करते हैं, तो ये नेचुरली सिंथेसाइज हो रहे हैं। कहां पे नेचुरली सिंथेसाइज हो रहे हैं, ये प्लांट्स की बॉडी हमारे पास उनमें ये नेचुरली सिंथेसाइज हो रहे हैं। प्लांट्स में ये कैसे नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं, हम क्लास 6 से ऑनवर्ड 6, 7, 8 में हम पढ़ते आ रहे हैं के साइंस में, ये हमारे पास एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके जरिए प्लांट्स अपनी जो खुराक होते हैं वो खुद तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल उनमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक को प्रिपेयर करते हैं। कैसे अपनी खुराक को प्रिपेयर करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास क्या है ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, इन दोनों चीजों को यूटिलाइज करते हैं। और प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है ये फूड फॉर्मेशन का, ये प्लांट्स के जो हमारे पास लीव्स होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिस पिगमेंट को हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल में क्या है बच्चे, क्लोरोफिल की मौजूदगी में और जब सनलाइट हो ये दोनों चीजें जो है ये आपस में मिलेगी, क्लोरोफिल की मौजूदगी में और सनलाइट की मौजूदगी में कहाँ पे इन सरफेस ऑफ लीव, लीव की सरफेस में, तो हमारे पास ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा। अब ये ग्लूकोज जो है ग्लूकोज हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बहुत ज्यादा ग्रेटर होता है, तो ये मैक्रो, और जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है उनको हम क्या कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास रिएक्शन हुआ 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 O2 क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो कि ग्रीन पिगमेंट है और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट हमें जो एमसीक्यू आ सकता है ये है व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे पास ये जनरल फार्मूला है CnH2O(n), इसी वजह से हम इसको हाइड्रेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन भी बोलते हैं। हाइड्रेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे हैं कि कार्बन है और साथ इसमें वाटर है, तो CnH2O(n). अब ये n जो दोनों साइड पे है ये हमारे पास कोई भी नंबर है और ये नंबर सेम होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो, हमारे पास क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन देखिए मोनोसैकेराइड हो सकते हैं, देन ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड का हमारे पास एक और नेम भी होता है, हम ओलिगोसैकेराइड को डाइसैकेराइड भी बोलते हैं। क्या जी, डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड में हम इसको बोलते हैं, ये मैं जैसे आपने लिख लेता हूं डाइसैकेराइड, तो ये हमारे पास ओलिगोसैकेराइड का दूसरा नेम क्या है डाइसैकेराइड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड ये इसी तीनों क्लासेस हैं, ये वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन हमने करना है, हाउ दे प्रिपेयर इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं, तो हमने ये लिखा है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, कैसे प्रोसेस होता है क्लोरोफिल की मौजूदगी में सनलाइट की मौजूदगी में, तो ये ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, ये इक्वेशन वाला जो है सारा पार्ट आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास होते लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सप्लेन मोनोसैकेराइड, किसी भी हमारे पास जो है इसकी मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड किसी को भी क्या कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन उसकी मांग सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो देखिए ये हमारे पास है मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड के टू पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं होंगे, एक मोनोसैकेराइड का हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है, देन बुक में ये दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं स्ट्रक्चरल, उसके बाद नीचे वाला पैराग्राफ है, तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये मोनोसैकेराइड की प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा हुआ है। देखिए मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोसैकेराइड्स आर सिंपलेस्ट शुगर, ये सिंपलेस्ट शुगर होते हैं हमारे पास। देन मोनोसैकेराइड में
कार्बन 3 टू कार्बन 9 तक के एटम होते हैं, देन हम इनको नेमिंग कैसे देते हैं? नेमिंग किसको देनी है? नेमिंग देनी है मोनोसैकेराइड को। नेमिंग कैसे देंगे? तो मोनोसैकेराइड को नेमिंग दी जाती है बाय कार्बन एटम, के नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें कितने हैं। अगर मोनोसैकेराइड जो है हमारे पास C3 वाला है जिसमें 3 कार्बन एटम है, C3 से स्टार्ट होता है, C3 है तो उसको हम कहेंगे ट्राइरोज। अगर हमारे पास C4 है तो उसको हम कहेंगे टेट्रोज। अगर हमारे पास C5 है तो उसको हम कहेंगे पेंटोज। अगर हमारे पास यही क्या है C6 वाला आ गया है तो हम उसको हेक्सोज बोलेंगे। अगर इसी वे में इसी फैशन में C7 वाला आ गया है उसको हम हेप्टोज बोलेंगे। C8 वाला हमारे पास है हम उसको क्या बोलेंगे? ऑक्टोज बोलेंगे। C9 वाला जो आखिरी इसका हमारे पास नंबर होता है, क्योंकि ये C3 to C9 पाए जाते हैं, तो C9 वाले को नॉनेज बोलेंगे। फर्स्ट इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो है कि ये हमारे पास रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोनोसैकेराइड हमारे पास है, हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड बचे वो है हेक्सोसिस। अब हेक्सोसिस क्या होते हैं? एक्सोसिस आपको पता है C6 वाले क्या कहलाते हैं? एक्सोसिस कहलाते हैं। एक्सोसिस जो है ये हमें नेचर में अबंडेंट की पाई जाती है। एक्सोसिस को नेक्स्ट हमने डिवाइड किया है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, दोनों में 6 कार्बन एटम पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास ग्लूकोज देन ये फ्रुक्टोज, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास। देखिए हमने क्या देखा था डेफिनेशन में, कार्बोहाइड्रेट्स होंगी पॉलीहाइड्रोक्सीएथिनाइल, ये पॉलीहाइड्रोक्सीएथिनाइल हो सकते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन्स हो सकते हैं। अब ये देखिए CHO हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है? ये हमारे पास एल्डिहाइड का है। तो आप देखिए ये हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आ गया है, ये भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है और ऑन द अदर हैं ये वाला हमारे पास फंक्शनैलिटी किसकी है? ये फंक्शनैलिटी हमारे पास कीटोन्स की है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं फ्रुक्टोज, और पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होते हैं हमारे पास? एल्डिहाइड होते हैं। एल्डिहाइड कौन से होते हैं? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का एक और नाम भी हम दे सकते हैं, ग्लूकोज को हम पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं? पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पेंटा हाइड्रोक्सी नहीं। हमारे पास देखें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो ये पेंटा हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्साइड और एल्डिहाइड, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी की वजह से। ऑन द अदर हैंड वी हैव फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज में भी देखें सेम हमारे पास 6 कार्बन एटम है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल सकते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलेंगे हम इसको, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी क्या है? ये कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी है, आर पाया जा रहा है और इधर भी आर है। सेम इसी फैशन में देखें पेंटा हाइड्रोक्सी 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये हमारे पास क्या है? 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है और दूसरे क्या है? एल्डिहाइड हमारे पास कीटोनिक फंक्शनैलिटी है। नेक्स्ट अभी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, इस स्ट्रक्चर के नीचे वाला जो पैराग्राफ है उस पे आप हेडिंग दे लें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड। सेपरेट से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें। तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, आपने ऐसे पॉइंट्स बना लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट क्या हमारे पास? फर्स्ट पॉइंट है व्हाइट अपेयरेंस। जो हमारे पास मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनकी जो अपेयरेंस होती है हमारे पास वो क्या होती है? व्हाइट अपेयरेंस होती है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है कि दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमारे पास क्या होते हैं मोनोसैकेराइड्स? क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। देन क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो पॉइंट है कि दे आर सोलुबल इन वाटर, ये पानी में क्या होते हैं? सोलुबल होती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि दे आर स्वीट इन टेस्ट, इनका जो टेस्ट होता है ये क्या होता है? स्वीट होता है, मीठे होते हैं, लाइक शुगर, शुगर ही होते हैं इसीलिए। नेक्स्ट दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, हम इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ना ही हमको इनको डीकम्पोज और हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? बिकॉज दीज आर सिंपलेस्ट शुगर, सिंपलेस्ट शुगर है। कैसे सिंपलेस्ट शुगर है? मोनोमीन, मोनो का क्या मतलब होता है हमारे पास? 1 एंड ट्राइमीन हमारे पास शुगर,
कोऑर्डिनेट करते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, मोनोसेट्राइड बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, क्या होते हैं हमारे पास, रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। हमने चैप्टर 7 केमिस्ट्री 9 में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। अब ये तो रिडक्शन कहलाता है, अब वो सब्सटेंसेस जो रिडक्शन होने में हेल्प आउट करती है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने में, हाइड्रोजन को ऐड करवाने में, ऑक्सीजन को रिमूव करवाने में हेल्प आउट करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो जो मोनोसैकेराइड हमारे पास होते हैं, मोनोसैकेराइड्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओवरऑल देखते हैं, रिव्यू लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या देखा है। तो ये हमारे पास टॉपिक में हमने बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन, देन हमने इस चैप्टर में कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, इसके बाद हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, देन हमने इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सप्लेन में डिस्कस किया है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर ये हमने कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर कैसे प्रिपेयर होते हैं, आपको शॉर्टकट सुना सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में कैसे प्रिपेयर होते हैं, आपने ये इक्वेशन से ऊपर वाली जो दो लाइनें हैं और साथ में इक्वेशन मेंशन करनी है, ये सारे पॉइंट्स जो से मैंने आपको इधर लिख दिए हैं। नेक्स्ट हमने देख लिया क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसैकेराइड हो सकते हैं, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड हो सकते हैं। अब हमारे पास ओलिगोसैकेराइड है, इसका दूसरा नेम क्या है, ओलिगोसैकेराइड का दूसरा नेम हमारे पास डाइसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड को लेकर हमने मोनोसैकेराइड के फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इंटरेस्ट सुपर है, C3 to C9 कार्बन एटम वाले रहते हैं, नेम भी कैसे करते हैं कि जितने कार्बन एटम वाला होगा, 3 वाला होगा तो 3 की वजह से ट्राई, 4 वाला होगा तो 4 की वजह से टेट्रा, 5 वाला होगा तो पेंटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6 वाला होगा तो हमारे पास हेक्सा, तो हेक्सोज हो गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और नेचर में अबंडेंटली पाए जाते हैं वो हमारे पास हेक्सोज हैं, हेक्सोज अबंडेंटली पाए जाते हैं। हेक्सोज को हमने डिवाइड कर लिया है ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज का आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बताया है और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला बताया है। ग्लूकोज को हम पेंटा पेंटा हाइड्रोक्सी भी, 1, 2, 3, 4, 5 पेंटा हाइड्रोक्सी क्या है, ये एल्डिहाइड है, CHO किसकी फंक्शनैलिटी है, एल्डिहाइड की फंक्शनैलिटी है। फ्रुक्टोज को हम पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं, कीटोन की फंक्शनैलिटी है। नेक्स्ट हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है, जो आपकी बुक में ये जो हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के नीचे वाले पैराग्राफ में मेंशन है, आपने इसके भी ऐसे पॉइंट्स बना लेने हैं। शॉर्टकट से बताया है क्या सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होते हैं, बाइंडिंग अपीयरेंस होते हैं, देन ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सोल्युबल इन वाटर है, इनका टेस्ट स्वीट होता है, 900 आयंस आर डीकंपोज एंड रिड्यूसिंग इन नेचर, और ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।